साहित्य के बीच में आज हरदा के हृदय में, हरदा के मध्य में, इस पूरे जगह में यहाँ पर 15 करोड़ की लागत से नवनिर्मित एक इंडोर स्टेडियम का भूमि पूजन आज होने जा रहा है और हम सबके मार्गदर्शक और हरदा विधानसभा के जन जन के नेता, मध्य प्रदेश शासन के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सत्य श्री कमल पटेल जी के कर्तव्य और हम सबके सानिध्य में ये कल्याण मंत्री, हम सब के मार्गदर्शक आदरणीय कमल पटेल जी उपस्थित हुए हैं के सर्वप्रथम यहाँ पाए उपाध्यक्ष जी, आदरणीय अचुल गोयल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमारे स्वागत। जिसे निवेदन करूंगा क्या ये अभी खेलो मध्य प्रदेश में 33 स्थान प्राप्त करके नेशनल प्लेयर पलक विकी हमारे बीच उपस्थित है, हमारे चारों विकिया भूपेन जी जाइए पलक विकिया हो सकती है थोड़ा पीछे कर दो ना, थोड़ा पीछे हो जाओ जी।
मुझे जेबला जी से भी निवेदन है कि अगर आप मंच पर उपस्थित हो और गणेश सभी लोग बढ़िया कुर्सी पे कुर्सियों पर सब लोग कुर्सी पे बिठवा दो। हमारा नेता कैसा हो ने उनके साथ है और एक रैली देखे वो हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी बहनों का सभी भाइयों का साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत है। मैं टेंट वाले भैया से निवेदन करूंगा कि हमारे बजाकर उनका आपके अभिनंदन स्वागत करें और मैं इस कार्यक्रम की मेला में नगर पालिका परिषद के सीएमओ साहब से निवेदन करूंगा कि आप आए और हम सबकी ओर से नगर पालिका प्रशासन की ओर से उनका आत्मीय अभिनंदन स्वागत करें। आप सभी से निवेदन एक बार पुनः जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में मैं निवेदन करूंगा भाई लोकेश राव मराठा जी से कि आप आए और अशोक जैन साहब उपस्थित है। मैं वार्ड क्रमांक 33 के पार्षद कुंवर मंच की ओर से उनका आत्मीय अभिनंदन स्वागत। सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से आदरणीय संजय भैया सांडिली जी का आत्मीय अभिनंदन स्वागत करें। एक बार निवेदन करूंगा हरदा वाली ताली बजाएंगे 1 2 1 2 3 1 2 लेकर चलने वाले और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय देवी सिंह साकला जी का मैं संदीप पाराशी अनीता अग्रवाल जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं प्रजापति जी श्रीमती अनीता अशोक राठौर जी रानी सुनील धनकर जी श्रीमती विनोद गुर्जर जी और आप सबसे निवेदन है जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सामान्यतः 6 अक्टूबर को माननीय मंत्री जी का जन्मदिन होता है लेकिन तिथि के अनुसार आज ही उनका जन्मदिन है तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। यह अभी पता लगा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये भूमि पूजन का काम का शुभारंभ हुआ है और निश्चित ही जो शुभारंभ जो है बड़ी शुभ घड़ी में हुआ है तो निश्चित ही जो नींव पड़ी है उससे बहुत ही विशाल इंडोर स्टेडियम यहाँ पर बनेगा ऐसा हम सबको विश्वास है। से भी निवेदन करूंगा कि आप कृपा कर आए और माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। मैं विनम्र जन्मदिन का स्वागत करें। चौरसिया जी से भी निवेदन करूंगा वार्ड क्रमांक 28 के पार्षद और भाई शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा आप तीनों आ जाए और हम माननीय मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। मैं आदरणीय केएल कुशवाहा जी से भी निवेदन करूंगा आप दिखाते हैं। मैं आकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। गणेश राठी जी सभी जितने भी हमारे नितेश भैया बादर जी आपसे निवेदन है कृपा कर आप कराएंगे। उपाध्यक्ष जी हमारे कोषाध्यक्ष जी हमारे सचिव जी सुनील तिवारी जी
और विपिन सोनकर सबसे निवेदन पूजा जल्दी से खत्म कर। दीपक भैया, नितेश भाई, राहुल भैया, अग्रवाल जी, हमारा भोला भैया, सभी पत्रकार भाइयों से आग्रह है कि आए भैया, आइए। प्रभारी दीपक मीमा जी और सभी साथी और शिक्षक अतिथि शिक्षक संघ के हमारे सभी पदाधिकारी, माननीय मंत्री जी का स्वागत में जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के सामने आपकी पूरी पुरजोर आपकी वो करेंगे। तो एक बार राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए और भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए, बोल माता की जय, भारत माता की जय, निवेदन के बगल बैठकर आकर आप में अभिनंदन स्वागत करें, बैठ जाएंगे। सभी बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे नर्मदे हर, नर्मदे हर। इंदौर स्टेडियम के भूमि पूजन कार्यक्रम में आज हम सबके बीच पधारे, हम सबके लाडले और जन जन के लाडले, मैं तो कहूंगी सभी के लाडले हैं वो, ऐसे हमारे सम्माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी, हमारे सम्माननीय जिला अध्यक्ष अमर सिंह मीना भाई साहब और मंच पर पधारे सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ, सभी मेरी पार्षद बहने, महिला मोर्चा की बहने सामने पधारे, मेरे सभी बच्चे, माताएं, बहने, बुजुर्ग और मेरे भाई, मेरे पत्रकार बंधु, सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हमारा बरसों का इंतजार खत्म हुआ है, जिसका हम सभी को बहुत दिन से इंतजार था, बच्चों को तो था ही था लेकिन उनके पेरेंट्स को भी था, क्योंकि आज तक हमारे हरदा में, और मैं तो नहीं जानती कि हरदा के आसपास किसी भी जिले में ऐसा इंडोर स्टेडियम बनेगा, एक हमारे हरदा के लिए एक इतिहास रचा जाएगा। माननीय कमल पटेल जी के कर कमलों से, उनके अथक प्रयासों से आज इंडोर स्टेडियम का भूमि पूजन होने जा रहा है। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज हम नगर पालिका, पूरे हरदा, पूरी मेरी नगर पालिका की टीम, मेरी पार्षद बहने, सभी की तरफ से मैं उनके जन्मदिन पर एक ये छोटा सा उपहार स्वरूप दे रही हूँ, इन्हें वो स्वीकार कर। और शायद आज जन्मदिन के दिन ही उसका भूमि पूजन रखना वो प्रारब्ध में लिखा हुआ था, क्योंकि कोशिश तो बहुत दिनों से चल रही थी, क्योंकि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने इसको हड़पने की कोशिश की, लेकिन हमारे मंत्री जी मानने वाले नहीं थे, उन्होंने अथक प्रयास करके ये जमीन फिर से हमें दिलवाई और बच्चों के लिए इनॉर की, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे बच्चों को खेल के लिए, नेहरू स्टेडियम तो है लेकिन इंडोर के लिए भी एक जगह की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो ये जगह उसके लिए हमारे माननीय मंत्री जी ने चुनी कि हमारे बच्चे आगे जाएं, नेशनल में तो गए ही, बच्चे जीत के भी आए गोल्ड और सिल्वर, लेकिन उनका ये मानना है और उनका ये प्रयास है, हम सबका पेरेंट्स बेटे उनका भी और बच्चों का भी ये दिल करता है कि हम वो हमारे हरदा के लिए गोल्ड जीत के लाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले। तो मैं सभी की भावनाओं का गर्व करते हुए और सभी का सम्मान करते हुए अपनी बातों को यही विराम देती हूँ, क्योंकि हमारे मंत्री जी को कहीं जाना है, उनका कार्यक्रम भी है और आगे की जो सब बातें हैं, योजना है, वही कैबिनेट में जाना है, कुछ अहम फैसले लेने आए और हरदा के लिए और नई नई सौगातें लेके आएंगे। वैसे उन्होंने बहुत सारी सौगातें दी हरदा को, वो गिनवाते नहीं बनेगी मुझसे तो, क्योंकि समय बहुत कम है, पर ये एक सौगात बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाले समय में हमारे हरदा के बच्चे,
और हाँ मैं एक बात बताना भूल गई, ये बात बहुत ही जरूरी बताने वाली थी कि 15 करोड़ रुपए कोई भी काम होता है तो पहले सेंक्शन होता, पैसे बाद में आते रहते हैं, लेकिन ये काम ऐसा हुआ जिसमें पैसे पहले आ गए, 5 महीने से नगर पालिका में पड़े और आज इसका भूमि पूजन हो रहा है। ये बात उसका प्याज मिलेगा वो भी हम इसी में लगा देंगे तो ये बहुत बड़ी सौगात है हमारे हरदा के लिए और हमारे हरदा के आसपास के सभी ग्राम के बच्चों के लिए। तो हम सभी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जितना कहा जाए उतना कम है, और हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर उनका धन्यवाद कीजिए, उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए। और आगे का पाठ हमारे मंत्री जी देंगे, उनके मुखारविंद से सुनिए। जय हिंद, जय भारत। बता सर, एक छोटा सा काम है, एक छोटा सा पौधा आपने लगाया था कमल खेल युवा उत्सव का, खेलो इंडिया में संवाद में हमारी खोखो की टीम पहबस और राज्य स्तर पे तृतीय स्थान प्राप्त किया है, 11,000 रुपए की इनामी राशि प्राप्त हुई है। ये कमल खेल युवा उत्सव का प्रतिफल है जो बच्चियां जो है रात में आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कबड्डी में सेकेंड, खोखो में थर्ड, फुटबॉल में थर्ड और सबसे बड़ी स्पर्धा होती है एथलेटिक्स जिसमें सबसे तेज रनिंग होती है 100 मीटर, उसमें हिमांशु मोर हरदा को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। राज्य स्तर पर जोरदार तालियां बच्चों के लिए बजाइए। आपने देखा है कि नेहरू स्टेडियम कितना व्यवस्थित है, वहां पर फ्लड लाइट लगी है, रात को 10-11 बजे तक भी होता है। ऐसे इंडोर स्टेडियम बनेगा तो अगले 5 साल के बाद स्विमिंग में, राइफल शूटिंग में भी हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे, यही मनोकामना है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और अब मैं बिना किसी भूमिका के जो इस पूरे भागीरथ फसल को गंगा बहाने वाले भागीरथ हैं और हम सबके जी से निवेदन करूंगा कि आज इस उनका जन्मदिन है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, ए भाई जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है और इसके वास्ते हमारा तन मन धन और प्राण है। प्राणों से प्यारी प्रातः स्मरणीय परम पूंजी भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ और जो मंच पर बैठे उनसे भी और जो नीचे बैठे खड़े हैं सबसे, क्योंकि सबकी ये भारत माता, इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। वो हमें आशीर्वाद देते हैं, जिस भूमि में हम पले पैदा हुए, पले खेले, इस मिट्टी में मैं भी खेला हूं, हमने यही क्रिकेट खेली है, कबड्डी खेली है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन, और उसी खेल की भावना के कारण मैं आज यहाँ हूँ। मैं इंदौर गया था पढ़ने खेल के लिए, लेकिन बन के आ गया रहता और आज पूरे लोगों को खेल और हमारे हरदा का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो ऐसा सौभाग्य मिला। इसलिए दोनों मुट्ठी बांधो तो भगवान ने तो बुझाएं दी सबकी, दोनों मुट्ठी बांधे पूरी ताकत से बोलेंगे। मैं कहूंगा भारत माता की इतनी जोर से जय बोलना चाहिए कि चाइना और अमेरिका तक सुनाई दे कि अब हरदा के बच्चे तैयार हो गए खेल के लिए, आने वाले समय में ओलंपिक जीत के लाएंगे गोल्ड। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अरे पूरी ताकत से माँ नर्मदा का आशीर्वाद मिलेगा, जब तक नर्मदा का पानी तो पूरी दुनिया में छाएगा। नर्मदे कमल के फूल की और आज के आनंद की, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेरा बहुत पुराना वक्त, जब से मैं विधायक बना हूं तब से मेरा सपना था, क्योंकि मैं खुद खिलाड़ी हूं और इसलिए जब हमारे समय में खेल की सुविधाएं नहीं थी, अभाव था, लेकिन आने वाली हमारी अब ये पीढ़ी अभाव में नहीं जिएगी, इनको सारी सुविधाएं हम खेल की देंगे जो इनको जरूरत है, ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरदा का नाम गौरवान्वित करे, अपने परिवार का नाम, हरदा का नाम, जिला, प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित करे, भारत माता का नाम गौरवान्वित करे। बेटा अभी बातचीत नहीं, और इसलिए आज मैं बहुत खुश हूं मां नर्मदा की, आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है कि आज
हरदा में बच्चों के लिए सर्व सुविधा युक्त इंडोर स्टेडियम जो भोपाल इंदौर से भी बेहतरीन बनाने वाला हूं। प्रदेश का नंबर वन, हर क्षेत्र में हम नंबर वन बने। 5 करोड़ में बनता है इंडोर स्टेडियम स्पोर्ट्स विभाग का। मैंने 15 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी से स्वीकृत करा के लाया और इसलिए आज मेरे जन्मदिन पर इसका भूमि पूजन हो रहा है। इसे एक बार पहले और किया था हमने, उस समय 2 करोड़ रुपए लाए थे, विक्रम वर्मा जी को लाए थे या किया था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को वो नागूजा और लगा। इनने 60 साल राज किया, इन्होंने तो कुछ किया नहीं, और जब भारतीय जनता पार्टी जीती, कमल का फूल खिला, हम करना चाहते हैं, तो इनने सोचा हमने तो कुछ किया नहीं, इनने कर दिया तो फिर हमारे को कौन पूछेगा, किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, और इसलिए उन्होंने अड़ंग लगाए। ये बताओ, ये अभी जब से पहले मैं जब पढ़ता था तो जो ये आदर्श विद्यालय था, काका, क्या नाम है काका का, लेकिन वो हाईकोर्ट जाकर उन्होंने स्टे ले लिया। 5 साल केस चला, हमने स्टे वेकेट कराया, फिर डबल बेंच में गए, वहां से भी वेकेट हो गया और वो हार गए, हम जीत गए, नगर पालिका जीती, और अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जैसे राशि आई वैसे, और फोटो कहां का लगा दिया, मिडिल स्कूल ग्राउंड का, बच्चों को खो खो खेलते हुए, हॉकी खेलते हुए, और यहां बता दिया कि यहां पर खेल हो रहा है और ये नगर पालिका यहां पर मार्केट बनाना चाहती है। कितने झूठेले कांग्रेसी, और झूठ बोल बोल के इनकी इज्जत ही खत्म हो गई, इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई, सत्ता से बाहर आ गए, अब तड़प रहे हैं किसकी तरह, मछली की तरह रेत में, हाय सत्ता, हाय सत्ता। और सत्ता काहे के लिए चाहिए, तुम्हारे पेट भरने के लिए? कुछ लोग मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति होकर पूरे देश को गरीब कर दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश के लिए राजनीति करती है, हमारे बच्चों के लिए, बेटों के लिए, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, और देश शक्तिशाली बने, समृद्धशाली बने, वैभवशाली बने, और भारत का मान बढ़े और सब सुखी हो, इसके लिए राजनीति, खुद के पेट भरने के लिए नहीं है। और इसलिए अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए हम 30 साल से जनता के दिल में राज करते हैं, और इसलिए हमेशा कमल का फूल खिलता रहा, आगे भी खिलता रहेगा। खिलेगा कि नहीं खिलेगा, या खिलाने वाले जरा हाथ ऊपर करो, दोनों मुट्ठी बांध के दो उंगली दिखाओ। ये रेगुलर कांग्रेसियों और पत्रकार मित्रों, पूरे हरदा की जनता, क्षेत्र की जनता कमल खिलाने के लिए बेताब है, क्योंकि हमने जनता का दिल जीता, विश्वास जीता, विकास किया। और कांग्रेस झूठेली है, इनके नेता झूठे हैं, और ये खुद झूठे हैं, और विकास विरोधी है, और इसलिए इनको घर बिठा दिया। इनका घर बैठना ठीक है, ये समाज और राजनीति के नाम का कलंक है, और इसलिए कलंक का मिटाना हमारा काम है। आज इस ऐतिहासिक इंडोर स्टेडियम जो 15 करोड़ की लागत से बन रहा है, उसकी आधारशिला रखी हमने। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है हमारी नगर पालिका की प्रथम नागरिक, हमारी बिटिया भारती राजू कमेरिया जी, जोरदार ताली बजाकर। देखिए, जीवन मरण लाभ हानि जस अफजस विधि हाथ, ये हमारे यहां धर्म में कहा गया है, जीवन मरण अपने हाथ में नहीं है, लाभ हानि भी अपने हाथ में नहीं है, और जीवन और यश और अफजस अपने हाथ में नहीं। बेटी भारती के हाथ में जस कि आज उसके हाथ से है, उसके अध्यक्षीय काल में ये भूमि पूजन होकर ये फलीभूत होगा, हम 1 साल के अंदर बना देंगे। और इसलिए भारती बेटा, तू बहुत भाग्यशाली है, और पूरे पार्षद हमारी अमिता बहन को लेकर सभी पूरी पार्षद और पार्षद पूरी टीम 35 के 35 पार्षद भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है, और भारतीय जनता पार्टी भी सौभाग्यशाली। जिला अध्यक्ष अमर सिंह तो लकी है ही हमारा, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला तो चारों तरफ विकास का कमल खिल रहा, लोग कमल की तरह खुश हो रहे हैं, और हरदा हृदय, हरदा तो हृदय नगरी, हृदय से कमल खिला है, और आज इसकी आधारशिला रखी है, ये जल्दी पूर्ण होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि पैसे हमने एडवांस में दे दिए हैं। 15 करोड़ का 5 महीने का ब्याज मिला तो वो भी लाखों में हो गया है, तो वो भी और लगेगा, और ये सुंदर इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार होगा, और हमारे बच्चे अभी से देखो, हमने कमल युवा खेल महोत्सव कराते 2 साल हुए, लेकिन 2 साल के अंदर खेलो इंडिया में हरदा के बच्चों ने प्रथम पुरस्कार से लेकर सारे पुरस्कार लेकर आए, अभी तो ये प्रदेश स्तरीय लाए,
राष्ट्रीय स्तर भी लाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लाएंगे जब इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा। आज के कार्यक्रम के हमारे विशिष्ट अतिथि भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई अमर सिंह मीणा जी, जोरदार ताली बजाकर उनका भी हम स्वागत करें। हमारे जिले के महामंत्री और शुरू से मेरे साथ युवा मोर्चे के समय से कंधा मिलाकर काम करने वाले और हरदा विधानसभा के प्रभारी संयोजक भाई देवी सिंह साकला जी, इनकी श्रीमती भी पार्षद है, जोरदार ताली बजाए यार। अरे भैया 15 करोड़ रुपए तो ये एक स्टेडियम के लिए दी है, तो ताली बजाने में तो पैसा लग रहा है क्या? ताली बजाने में स्वास्थ्य ठीक रहता। और हमारा सम्मानित सभी उपाध्यक्ष नगर पालिका के अंकुल गोयल जी, भाई मनोहरलाल शर्मा जी, डॉक्टर मुजुमदार जी, अशोक जैन जी, हमारे वकील साहब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, मेरे परम मित्र मेरे भाई ठांडिल जी, और युवा मोर्चे के अध्यक्ष विजय जेवजा जी, नगर अध्यक्ष विनोद दुर्जा जी, उदय चौहान जी, और हमारे सभी पार्षदगण, जोरदार ताली बजाकर सम्मानित मंत्री का स्वागत करते हैं। हमारी सभी बेटियां आपके चरणों में प्रणाम, बहनों के चरणों में प्रणाम, गुरुओं के चरणों में प्रणाम, और युवा साथियों का नमस्कार, पत्रकार मित्रों का अभिनंदन, बच्चों को प्यार, और अतिथि शिक्षकों चिंता मत करो, आज शाम की बैठक में तुम्हारी समझदारी से रखकर तुम्हारी समस्या का भी निर्णय, हर समस्या का हल खिलता कमल, और मैं तो कमल हूँ तो डबल कमल होंगे। हमारा नेता कैसा हो, कमल पटेल जैसा हो। हमने कुटवार से कहा था, कुटवार लोग आए तो मेरे 12 बजे, 200 तो 300 सुबह से 7 बजे आ गए, 6 बजे आ गए, वो मिले भैया तो मैंने कहा मैं राजस्व मंत्री थे, जब कुटवार पंचायत कराई थी तुमको 150 मिलते थे जिसके 3000 कराए, फिर एक बार 4000 हो गए, मैंने कहा सीधे 8000 करा दूंगा और 15 दिन में तुम्हारी समस्या कर खत्म करके पंचायत करा के सीएम से बात करके, हमने सीएम से बात की और 15 दिन के अंदर कुटवार पंचायत की हो गई 4000 की तनख्वाह के सीधे 8000 हो गए। हम गए थे धरने पर, हमारी बहनें जो भोजन बनाती मध्यान्ह भोजन स्व सहायता समूह, उनको बहुत कम पैसा मिलता था, उनका भी डबल करा दिया, और अतिथि विद्वानों तुम्हारा भी कर देंगे, जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की उसको पालन करवा दूंगा। सबको बहुत शुभकामनाएं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो। गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, और व्यक्ति को ईश्वर ने सब प्रतिभाएं दिए हैं, लेकिन उस प्रतिभाओं को पहचान कर उनका सर्वांगीण विकास करके उनको एक स्वाभिमानी पुरुषार्थी चरित्रवान और देशभक्त नागरिक बनाने का काम कोई कर सकता है तो वो हमारे गुरु हैं, जो स्वाभिमानी पुरुषार्थी चरित्रवान और देशभक्त इन चार गुणों से उत्प्रक्त युवक और युवती जब इस देश में होंगे तो वो अपने और अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देकर अपने जीवन को सफल भी करेंगे और सार्थक भी करेंगे। मैं आज आप सबको बधाई देता हूं, विशेष करके सभी बेटे बेटियों को कि बेटे बेटियां खेलो। देखिए जीवन में अगर खेल नहीं है, सुनो बच्चों, जीवन में खेल की भावना नहीं है, खेल नहीं है तो जीवन में कोई रसी नहीं है। अगर जीवन का आनंद लेना है, क्योंकि 84 लाख योनि के बाद मिलता है, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू गोयरा सब बनने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, और इसको ऐसे ही कमा दिया जीव जंतु जैसे, तो फिर अपने में उनमें अंतर क्या है? और इसलिए प्रसन्न रहो, उमंग उत्साह के शांत रहो, निराश नहीं होना कभी। मेरे को देखो, कभी निराश हुआ क्या? कितने संकट आए मेरे ऊपर, कितने षड्यंत्र रचे कांग्रेस ने, और कितने झूठे केसों में फंसाया, लेकिन कभी पीछे हटा, मैं कभी उदास दिखा, मैं कभी डरा हुआ दिखा, मैं कभी फ्रस्ट्रेशन में आया, लोग टेंशन में नहीं आए। मुझे भगवान ने जन्म दिया लोगों को खुश करने के लिए और विरोधियों को टेंशन देने के लिए। मैं टेंशन में नहीं आता, मेरे को देखते लोग टेंशन में जाते, वो टेंशन में रहते हैं, और इसलिए आप सब टेंशन लेने के लिए नहीं, खुश रहने के लिए और विकास विरोधियों को टेंशन देने के लिए, राष्ट्र विरोधियों को टेंशन होना चाहिए, जो राष्ट्र के विरोधी है, जो विकास के विरोधी है, जो हमारी संस्कृति के विरोधी है, जो हमारे देश के विरोधी है, उनको टेंशन होना चाहिए, अपने को नहीं। और इसलिए आप हमेशा प्रसन्न रहे, खुश रहे। और मैं तो जिस समय जन्मा, मेरे घर वाले मुझे थानेदार बनाना चाहते थे, मैं खेल के लिए गया था, लेकिन फर्स्ट ईयर में मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर ऐसा हुआ कि कलाई पे से तो मेरा खेलना बंद हो गया, दर्द होने लगा,
लेकिन ईश्वर को कुछ और पसंद था। इसलिए हमारी संस्कृति में क्या कहते हैं, जब जब जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा हाथ टूटना भी अच्छे के लिए हुआ कि मैं अगर थानेदार होता या कोई भी अधिकारी होता, डालता है कुछ भी बनता, तो मैं सिर्फ मेरे मेरे परिवार के लिए, थोड़े समाज के। लेकिन आज ये हाथ फ्रैक्चर होने से खेल भावना थी, इसलिए मैंने मेरी एनर्जी का, मेरी ऊर्जा का उपयोग मैंने समाज सेवा के लिए किया। और आज मैं सिर्फ हरदा की सेवा नहीं कर रहा हूँ, संपूर्ण मध्य प्रदेश की सेवा कर रहा हूँ, किसानों की सेवा कर रहा हूँ और देश की सेवा कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है और मेरे हाथ में असंभव नाम कोई चीज है ही नहीं। ये नहर का जो मेरे को चीफ सेक्रेटरी ने एचसीएस ने सबने मना कर दिया था कि सर हो ही नहीं सकता, असंभव। तो मैंने कहा असंभव को संभव करने का नाम ही कमल का फूल है। मेरी डिक्शनरी में असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। ये ईश्वर की मेरे ऊपर और जनता का आशीर्वाद है, क्योंकि हमारी नीति अच्छी है, हमारी नीयत अच्छी है। और जिसकी नीति अच्छी हो, जिसकी नीयत अच्छी हो, उसको ऊपर वाला भी आशीर्वाद देता है और जनता भी आशीर्वाद देती है, असंभव भी संभव हो जाते हैं। चाहे नरेंद्र मोदी हो, उनका भी नाम नामुमकिन को मुमकिन करना है, शिवराज जी भी नामुमकिन को मुमकिन करते हैं और कमल पटेल भी नामुमकिन को मुमकिन करता है। तो इसलिए हमारी नीति अच्छी, हमारे नेता अच्छे और हमारी नीयत अच्छी। हम हमारे लिए नहीं, जनता के लिए करते हैं। ये देखिए कितना संघर्ष करना पड़ा, तब जाकर ये इंडोर स्टेडियम आया, ये 100% जमीन सिंचित हुई, 100% गांव में सड़कें। और देखिए सुनो, लोग बात भले कुछ भी करें, ये पत्रकार बैठे, मैं भी 30 साल से विधायक हूं। मेरा भी सपना था जब मैंने पदयात्रा की थी विधायक बनने के बाद, तो मैं जहां जहां पैदल गया वहां सड़कें होना चाहिए। 1 किलोमीटर सड़क नहीं थी। ये हरदा शहर में नगर पालिका के सामने गड्ढे थे, नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस की थी उसके घर के सामने भी गड्ढे थे, गड्ढा था। ये खेड़ीपुरा से जो बसें आती थी वो मेन रोड से, इधर से हंडिया रोड, जो रोड के ऊपर मकान दुकान है, दिन भर में 10-10, 20-20 बार झाड़ू लगाना पड़ती थी, धूल ही धूल थी। घंटा घर में हमने पत्थर घेरी है, 2-2 फुट के गड्ढे थे। हरदा से हंडिया जाने में नानी यादा जाती थी, हरदा से टिमनी जाओ या मसनगांव जाओ, कहीं सड़क थी क्या? सड़क पर चले नहीं सकते थे। लेकिन आज चारों तरफ सड़कें हैं, गांव गांव में सड़कें, सड़कों की चौकड़ी है। और नर्मदा पे कितने पुल बना दिए, पहले एक पुल था, अभी छिपानेर का बना दिया, किसी ने नहीं मांगा था। और छिपानेर तक जाने का रास्ता था वो भी कर दिया, और अभी 2 पुल और बन गए नर्मदा पे, एक छिपानेर का और एक बैतूल हरदा इंदौर नेशनल हाईवे। और ये नेशनल हाईवे भी सिंगल रोड था, मैं इंदौर पढ़ के आता था, रक्षाबंधन पर कई बार राखी निकल जाती थी, बाद में पहुंचता था तो रास्ते में ही फंस जाती थी गाड़ी। और इसलिए मैंने तय किया था कि इसको नेशनल हाईवे कराऊंगा। तो चीफ इंजीनियर थे मोघे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा भारत अटल जी प्रधानमंत्री बने, राजनाथ सिंह जी भूतल परिवहन मंत्री बने, हम प्रस्ताव लेके जा रहे हैं, तो आप यहाँ से रिकमेंड कर दो। तो मेरे को ऊपर से नीचे तक देखता है, बोले पटेल साहब काय को समय खराब कर रहे हो, कागज स्याही पेन और आप जाओगे आओगे चप्पल घिस जाएगी, हो गई नहीं। मैं क्यों? बोले आपको पता नहीं है, आप नए नए विधायक हो। मैं उस समय पहली बार ही विधायक बना था, 93 से 98 या दूसरी बार 99। तो मैंने कहा क्यों? बोले आपको पता है नेशनल हाईवे कब बनता है? पहले वो स्टेट हाईवे होगा तो ही नेशनल हाईवे बनता, पहली शर्त है, नहीं तो बन ही नहीं सकता, आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मैंने कहा असंभव को संभव करने का नाम कमल का फूल है, आप तो अनुशंसा कर दो, मैं करा के लाऊंगा। तो मेरे को वो देखता है, बोले कैसे कराओगे? मैंने कहा जब बिहार में का मंत्री बनता तो रेल सब बिहार जाती, कर्नाटक का बनता कर्नाटक जाती, तो हमारी सरकार बनी, हम करा के लाएंगे। बोले आप अगर करा लाओगे तो मैं मिठाई खिलाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल खाऊंगा आपके हाथ की मिठाई। और मैं लेकर गया और एक बार में दिल्ली जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी, वही राजनाथ सिंह जी आए थे, मैंने वही उनको हाथ से लिखकर लेटर दे दिया और उसी समय उन्होंने ऑर्डर कर दिया। और ये देश का पहला असंभव संभव हुआ कि स्टेट हाईवे नहीं, डिस्ट्रिक्ट रोड भी नहीं थी, मेजर रोड नहीं थी, सिंगल रोड थी जिसमें गड्ढे ही गड्ढे थे, उसको नेशनल हाईवे बैतूल से हरदा इंदौर करा दिया। इसको कहते हैं काम करने की ललक। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है और आप दिल से काम करते हैं तो हर असंभव भी संभव हो जाता है। इसी प्रकार हरदा जिला प्रदेश का पहला जिला बन गया जो 100% सिंचित हो गया। गंजाल मोरन से 3500 करोड़, 3517 करोड़, 80 लाख। इलाफ सिंह की योजना हमने सही, इलाफ सिंह एक युवा लड़का 20-21 साल का, हमारे आदिवासी भिलाला का बेटा, सालियाखेड़ी मेरे गांव के, एक तो दीप सिंह चौहान हुआ तो हमने नगर पालिका में दीप सिंह चौहान शहीद गैलरी बना दी, और दूसरा इलाफ सिंह हुआ तो उसके नाम से मैंने कहा कि वो हमेशा अमर रहे, खेतों में जब फसलें लहराएगी तो उसकी याद और खुशबू आएगी। शहीद इलाफ सिंह
और 6 महीने के अंदर योजना बनाकर 118 गांव की 26,000 हेक्टेयर जमीन उससे भी सिंचित हो जाएगी और 64,000 हेक्टेयर इससे होगी, और इस प्रकार हरदा जिला 100% सिंचित हो जाएगा। तो सिर्फ किसानों को ही लाभ नहीं होगा, किसानों को तो लाभ होगा ही, क्योंकि 12 महीने उनकी सिंचित होगी तो उनको ट्यूबवेल कुआ कराने में जो जमीनें बिक जाती थी, कर्जे में डूब जाते थे, उससे मुक्ति मिलेगी। लेकिन मजदूरों को भी 12 महीने काम मिलेगा, और जितने भी दुकानदार हैं यहाँ हरदा के, ये दिनेश राठी बेटे, सबसे ज्यादा फायदा इसको ही होने वाला है, क्योंकि मोटर पाइप नहीं, अब तो नुकसान होने वाला है तुमको, तो क्यों मोटर पाइप की जरूरत नहीं, सरकार खुद कर देगी, लेकिन बाकी व्यापारी दुकान पर व्यवसाय बदल देंगे, दूसरा काम होगा। लेकिन जब किसान की जेब में पैसा होता है तो मजदूरों को भी मजदूरी मिलती है, दुकान व्यवसाय व्यापार भी चलता है, हर प्रकार का होटल भी चलती है, किराने की चलती है, महिलाएं भी खरीदती है, जब उनके पास पैसा होता है तो पूरा व्यवसाय चलता है, लोगों में खुशहाली आती है। तो इस प्रकार हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। आज मुझे कैबिनेट में जाना है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरदा के लिए मैंने क्या क्या किया है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि चुनाव का समय है और आप ही मेरे कार्यकर्ता हैं। खाली ये जो बीजेपी के बैठे ये नहीं है, ये तो है, पर आप सब जनता भी मेरी कार्यकर्ता है कि नहीं, बताओ, काम करोगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या क्या कराया। 100% गांव सड़कों से जोड़ दिया, और जितनी नदियां हैं, जो काम 75 साल की आजादी में नहीं हुए, जो काम अंग्रेजों के 250-300 साल में नहीं हुए, और जो काम राजा महाराजाओं के हजारों सालों में नहीं हुए, बल्कि जब से सृष्टि बनी है तब से ये नदियां हैं। अच्छा बताओ, ये अजनाल तिमरन नदी, हम हरदा से बेरागढ़ जाना हो तो इतने इतने पानी में जाते, बेरागढ़ के बच्चे तैरते हुए आते हैं, ऊपर पुस्तक बस्ता रख के, कई बार पैर फिसल गया तो बह गए। उसका भी बड़ा पुल स्वीकृत कर दिया, 3 करोड़ से ऊपर लागत का, वो भी बनेगा, उसका भी भूमि पूजन कल करने वाला, तो ताली तो बजा दो रे भैया। ऐसे एक खरदना बिचोला, 1 किलोमीटर लंबी पानी बाढ़ भरी होती थी इंदिरा सागर का बैक वाटर, वो रास्ते ही बंद हो गया। भांडिया तहसील है, बिछोला, सोनतली, करणपुरा, लोटिया, हनीफाबाद वालों को किधर से जाना पड़ता है, जामली वालों, हरदा और हरदा तीला मुख्यालय फिर तहसील जाओ, लेकिन वो पुल भी 15.5 करोड़ का आज मैं स्वीकृत करा के ला रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से, हाथ पकड़ के दस्तखत करा के, तो वो भी बन जाएगा। जैसे 30-32 बड़े पुल, नर्मदा परिक्रमा में लोग आते हैं, परिक्रमा वादी बेचारे पानी में, नदी में से, गंजाल में से, तो वहां धौलपुर और रिचे के बीच में बड़ा पुल, उसका भी स्वीकृत कर दिया है 7.5 करोड़ का। ऐसे सारी नदियां जितनी भी, सबके ब्रिज भी हो गए, सारे 71 सड़कें हो गई हैं, लेकिन 75 सड़कें, और इंडोर स्टेडियम, एक बाईपास फाइल वार से, अब डबल फाटक की हेडेक खत्म, यहाँ भी ओवर ब्रिज बनेगा 63 करोड़ की लागत से, और पैदल भी फाइल वाले इधर आ जाए, उधर वाले इधर आ जाए, फाइल उसे लेकर देव कॉलोनी से, बंगाली कॉलोनी से पैदल भी बच्चे हरदाना रेलवे स्टेशन, इतना सुंदर रेलवे स्टेशन बन रहा है जैसे कमलापति भोपाल का, ऐसा ही हरदा का बनेगा। और मसनगांव, कमताड़ा, भिरंगी और खिड़किया के भी ओवरब्रिज के कल भूमि पूजन करने वालों, कल परसों 2 दिन सारे स्वीकृत हो गए, कोई काम ही नहीं रह गया, लेकिन काम फिर से नए शुरू होंगे। तो बाईपास रोड छोटी हरदा से करोला तक रुक जाओ, भाई रुक जाओ, बाद में रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, चलो चलो चलो, 25 करोड़ का वो बाईपास, ये रेलवे ओवरब्रिज भी बन गया है, अब शहर में ट्रैफिक समस्या भी हल हो गई है। अब हरदा से सोडलपुर जाने में पहले 2 घंटे लगते थे, अब कितना समय लगता भैया, मैं गया था ट्राई करने, 10 मिनट के अंदर मैं सोडलपुर पहुंच गया, जहां 2 घंटे लगते थे कांग्रेस के राज में, वहां 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो 2 घंटे में कितना डीजल चलता, कितनी गाड़ी टूट फूट होती, कांग्रेस के राज में डीजल, ट्रांसलेट और इन्वेटर और जनरेटर, और भारतीय जनता पार्टी के राज में 24 घंटे बिजली, कितनी बचत हो गई, और इसलिए हमने ये सब विकास किया है। और आज हरदा के लिए एक फूड टेक्नोलॉजी कॉलेज एग्रीकल्चर, जो जबलपुर में 118 करोड़ का स्वीकृत हुआ था, मैंने वहां कुलपति से बात करके हरदा करा लिया, शासन राज कैबिनेट की मोहर लग जाएगी तो हरदा में भी खुल जाएगा। रोल गांव में हमने फूड पार्क बना रहे हैं, वहां तो फूड टेक्नोलॉजी पार्क, ताकि हमारे किसान के बच्चे जो पढ़ लिख लिए वो फूड टेक्नोलॉजी सीखेंगे, और उसके बाद
जितना भी अनाज हम पैदा करते हैं, सब्जियां दाल पैदा करते हैं, वो ऐसे ही बेच देते हैं। आलू बेच देते हैं 5 रुपए किलो में, आलू की चिप्स 500 रुपए में खरीदते हैं, पर अब हम आलू के चिप्स की फैक्ट्री लगाएंगे, टमाटर स्वास की फैक्ट्री लगाएंगे और एक एक चीज से कितनी चीजें बनती हैं वो सब करेंगे, तो हमारी बहनों को रोजगार भी मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, मजदूरों को काम मिलेगा, किसान के पास सीधे पैसे आएंगे, बिचौलिए खत्म होंगे, तो पूरा पैसा हरदा आएगा, तो हरदा में समृद्धि आएगी, लक्ष्मी जी का वास होगा, क्योंकि कमल का फूल खुशहाली समृद्धि और विकास का प्रतीक है। अभी दीपावली आने वाली है, लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा पसंद क्या है? कमल। जरा जोर से बोलो, हाथ हिलाकर, क्या है पसंद? कमल का फूल। नर्मदा मैया किस में विराजमान है? लक्ष्मी मैया किस में विराजमान है? और सरस्वती मैया किस में विराजमान है? और भारत माता किस में विराजमान है? मध्य प्रदेश किस में विराजमान है? और हरदा किस में विराजमान है? अपन तो खुद ही कमल है, और कमल ही कमल पर डबल विकास हो रहा है, 4 गुना विकास हो रहा है, कमल विकास और उसी के कारण ये आज भूमि पूजन और ये विकास के कल दो परसों दो दिन सैकड़ों की संख्या में हम विकास के भूमि पूजन शिलान्यास करेंगे। जिला अस्पताल का भी आज करके आए हूँ, दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत सुंदर हॉस्पिटल बनाया है ताकि वहां उनको सर्व सुविधायुक्त सुविधा मिले, उपचार मिले, वो ठीक होके जाए। तो और अभी दो दिन हमने तीसरा दिन है, 3 दिन कैंप लगाया, 2 दिन भोपाल के पीपुल्स ग्रुप के आए थे, 250 डॉक्टर और एक पैरामेडिकल स्टाफ, 11,000 लोगों ने पंजीयन कराया, जांच कराई, उनको दवाइयां दी, उसमें से 471 गंभीर बीमार निकले, जिनके 1 लाख से लेकर 10-10 लाख रुपए तक का इलाज होगा, पूरा फ्री करा रहे हैं। और अभी मैंने वीडियो कॉलिंग से बात की, वो इतने खुश हैं, बढ़िया हॉस्पिटल, एयर कंडीशन और 3 निःशुल्क इलाज होकर सब स्वस्थ हो गया है। तो मेरा जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया, तो मेरा कितना बड़ा परिवार है आप सब, और मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे परिवार के लोग हैं, उनका 1 पैसा नहीं लगे, पूरा इलाज फ्री हो। आज अरविंद को मेडिकल कॉलेज की टीम को जिला अस्पताल बुलाया, हार्ट के, किडनी के, लंग्स के गंभीर बीमार जो है उनकी जांच होगी, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, और अगर उसमें गंभीर निकलेंगे तो उनका भी इंदौर ले जाकर अरविंदों में निःशुल्क उनका भी इलाज होगा। तो मेरा विधायक बनना, मंत्री बनना, जनप्रतिनिधि बनना सार्थक हो गया, और आप सबने भी जो कमल के फूल की बटन दबाई हरदा की जनता ने, उनका भी वोट देना सार्थक हो गया। हम तो निमित्त हैं, असली श्रेय के भागीदार आप सब हैं जिन्होंने कमल के फूल की बटन दबाई। यदि आप कमल के फूल की बटन दबाते नहीं तो मैं विधायक बनता क्या, और विधायक नहीं बनता तो मंत्री बनता क्या, और मंत्री नहीं बनता शिवराज जी मुख्यमंत्री बनते क्या, और मुख्यमंत्री शिवराज जी नहीं बनते मैं मंत्री नहीं बनता तो ये स्वीकृति होती क्या, ईमानदारी बताओ। तो असली श्रेय के भागीदार कौन है? आप सब है। इसे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपने जो कमल का फूल खिलाया उसके कारण ये रोड भी बन रहा है, ब्रिज भी बन रहा है, कॉलेज भी आ रहा है, लॉ कॉलेज के लिए वकील साहब 9.5 करोड़ रुपए आ गए, कल उसका आधारशिला रखना, 9.5 करोड़ की लॉ कॉलेज बिल्डिंग बन, फिर क्या मैं डिग्री कॉलेज आर्ट्स कॉमर्स साइंस वो भी स्वीकृत की, प्रोफेसर प्रिंसिपल सहित पूरे स्टाफ सहित स्वीकृत किया है, और इतना काम हुआ है तो उसके श्रेय के भागीदार आपका एक कमल के फूल पे वोट देना उसके कारण हुआ। अगर कमल के फूल पे वोट नहीं देते कांग्रेस को दे देते तो जैसे 60-70-75 साल निकल गए ऐसे वो निकल जाते, तो कई पीढ़ी हमारी वैसी चली गई, आइए बच्चों का भविष्य भी खराब हो जाता। हमारे बच्चों का भविष्य बनाने के लिए और देश को शक्तिशाली समृद्धशाली और भारत माता को विश्वगुरु बनाने के लिए क्या चाहिए? कमल का फूल खुशहाली समृद्धि और विकास का प्रतीक। इसलिए घर घर जाओ, मोहल्ले मोहल्ले जाओ, हर घर कमल खिलना चाहिए, हर अन्नर घर घर कमल का फूल, एक लोटा जल, एक बिलपत्री और एक कमल का फूल हर समस्या का हल और खुशहाली समृद्धि का प्रतीक। और इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, इतनी गर्मी में, इतनी धूप में आप सब बड़ी संख्या में हमारी बेटियां आई हैं, हमारे बेटे आए हैं, और ये इंडोर स्टेडियम बनने के बाद बच्चों इसमें सबको हम खेलने की सुविधा देंगे, जो अच्छे खेलते हैं हम कमल युवा खेल महोत्सव कराते हैं गांव से, संकुल से, ब्लॉक से और फिर जिले में, और जो अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं विभिन्न खेलों में हम 30 प्रकार के खेल कराते हैं, उन बच्चों को हम गोद लेते हैं, फिर उनको क्योंकि उनको अच्छी खुराक चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे और स्फूर्त रहे, उनको अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, अगर वो टेबल टेनिस खेलता है तो उसको बैट टेबल वो सब चाहिए सुविधा खेलने की, अगर वो बैडमिंटन खेलता है, कबड्डी खेलता है, हॉकी, फुटबॉल, सब सुविधाएं हम देंगे, और उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। और मेरा सपना है
कि हरदा के बच्चे ओलंपिक में भी मेडल लेकर आ है ताकि हमारा जीवन सार्थक हो जाए। लाओगे ना बच्चों? अरे कौन कौन लाएंगे? तैयार है गोल्ड मेडल लेने वाले ओलंपिक में एक मेहनत करने वाले, बहुत बहुत जोरदार ताली बजाओ बच्चों के लिए। देखो भाई, और कल हरदा में जैसे आज अपन ये कार्यक्रम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भूमि पूजन करना था इसलिए यहाँ कर रहे हैं, लेकिन हरदा में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना हो, मेधावी छात्रों का सम्मान करना हो, कोई भी कॉन्फ्रेंस करना हो, तो कोई एक पॉलिटेक्निक का हाल है उसमें भी आवाज गूंजती है। और इसलिए मेरी बहुत दिन से इच्छा थी कि एक ऑडिटोरियम होना चाहिए, और वो समय आया कि मैं कृषि मंत्री बना, तो मैंने मंडी बोर्ड की निधि से, जैसे ही कलेक्ट्रेट से अपन अंदर मंडी में प्रवेश करते हैं, मेरा पेट्रोल पंप के बाजू में जो जगह पड़ी है वहां कल उसका भूमि पूजन करूंगा 11 बजे। आप सब आमंत्रित हैं, और बाकी लोगों को भी बोले, उसके लिए भी मैंने 10 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। 500 सीट कुर्सियां रहेगी उसमें, और बाकी व्यवस्था सर्व सुविधा, ताकि हम प्रशिक्षण दे सकें किसानों को, ताकि उन्नत खेती करें, हम बच्चों को भी प्रशिक्षण और सेमिनार कर सकते हैं ताकि वो भी आगे बढ़े, और हम सामाजिक जो भी लोग हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम करना हो तो वो भी वहाँ हो जाए, तो उसका भी भूमि पूजन कर रहे हैं, वो भी हरदा के लिए स्वीकृति हो गई। ऐसा कहीं किसी जिले में नहीं है, वो हरदा के अंदर हो रहा है। हरदा हर क्षेत्र में नंबर वन बने, ये मेरा सपना शुरू से था जब पहली बार विधायक बना था, आज 30 साल बाद वो सपना साकार हो गया है। तो हर तरह की सुविधा है, और एक आज कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर दी है, अनुमोदन हो गया है, शाम तक आदेश निकल जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में 10 लाख से लेकर 25 लाख तक की जहां जैसी जगह होगी डोम बनाएंगे, और बढ़िया 3 फुट की दीवार और स्टेज, परमानेंट स्टेज, ताकि गांव के लोग भी वहां अपने कोई कार्यक्रम करना हो, ग्राम सभा हो, कार्यक्रम हो, हम जाए तो ऐसे भूमि पूजन लोकार्पण के कार्यक्रम हो, और गरीब लोगों को बच्चों की शादी हो या घर में डोकरा डोकरी खत्म हो जाए तो देर भी हो, तो उनको टेंट नहीं लगाना पड़े, टेंट का पैसा नहीं लगाना पड़े, उसी में सब कार्यक्रम हो जाए। और ये एक नहीं कर रहा, 220 ग्राम पंचायत है, 220 ही ग्राम पंचायत में के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें से लगभग 151 की स्वीकृति आज मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फोन आ गया, कर दिया 10 का 151। ये देश का, प्रदेश का नहीं, ये देश का पहला जिला बन जाएगा जहाँ 100% ग्राम पंचायतों में भी एक ऑडिटोरियम जैसा खुला, वो 3 सेट होगा ताकि बारिश में, गर्मी में, दिन में और रात में लाइट भी रहेगी तो कार्यक्रम हम कर सकते हैं, तो सबकी सुविधाओं के लिए, ताकि वहाँ बच्चे खेल भी सकें, कबड्डी भी खेल सके, कुश्ती भी और बाकी खेल भी उस छाव के अंदर हो सके, बारिश के अंदर भी। तो इसके लिए हमने स्वीकृति दी आज लेके आ रहा हूँ, कल उसका फिर भूमि पूजन भी एक साथ कर देंगे। तो कितना काम, जो काम हजारों वर्षों में नहीं हुआ वो काम एक साल में हो रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ, मैं तो निमित्त हूँ, असली श्रेय के भागीदार आप सब हैं जिनने कमल के फूल की बटन दबाई, और इसलिए आप सबके चरणों में प्रणाम। आप हमेशा कमल के फूल की बटन दबाते रहे, मैं इसी प्रकार विकास करता रहूंगा। दूसरे कृषि संकाय भी होगा, और यहाँ पर एक इसराइल के सहयोग, दुनिया में देखो भाई, इसराइल सबसे अभागा देश था, जहां न मिट्टी है न पानी है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर, रेत ही रेत है, लेकिन वहां के लोगों ने इतनी तकनीक सीखी, और बूंद बूंद पानी, ड्रिप इरिगेशन जो टपक योजना है वो वहीं से आई, और आज दुनिया का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला देश है, सबसे अधिक सब्जियां पैदा करने वाला, फल पैदा करने वाला देश है, यानी न पानी न नदी न कुछ, लेकिन टेक्निक, टेक्नोलॉजी। तो मैं इसराइल के राजदूत से मिला दिल्ली जाकर दूतावास में, वहां के वैज्ञानिकों से मिला, फिर हरदा लाया एक बार नहीं दो बार, और मेरे गांव बारंगा के पास झांझरी है मोंडगा, वहां पर सरकारी जमीन थी, उसमें लोगों के कब्जे थे, बड़े लोगों को उनके हटवाए, और वहां 105 एकड़ जमीन उनको उपलब्ध कराई, और वहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा, उसका भी कल एग्रीमेंट करके मैं आया हूँ, उसका भी भूमि पूजन कल करूंगा। कितने भूमि पूजन होंगे सुबह से शाम तक, और वो सब पैसे एडवांस लेके आ रहे हैं, ये वाला नहीं है कि पैसे कब आएंगे कब होगा काम, एडवांस पैसा आ रहा है और काम होगा तेजी से। तो ये सब आपका भाग्य, माँ नर्मदा का आशीर्वाद, आप सबका आशीर्वाद, और मेरे मन में रात दिन एक ही तड़प रहती है, विकास विकास और विकास, हरदा हर क्षेत्र में नंबर वन। तो बोलो दोनों मूर्ति बांध कर, खेलेगा हरदा, हरदा नंबर, खेलेगा हरदा, जोर से बोलो भाई साहब।
खेलेगा हरदा जीतेगा हरदा। अरे इधर घुमा भाई, मेरे तरफ क्या कर रहा है, सब कुछ घुमा। खेलेगा हरदा हर क्षेत्र में, मॉडल जिला, रोल मॉडल जिला। छिंदवाड़ा का तो ये नकली है कमलनाथ, ये तो अनाथ होना इस बार निपटना। मैं प्रभारी मंत्री हूँ वहां से, ईमानदारी से बता रहा। और हमने वहां बम्बर इनाम रखा है पार्टी ने कि कमलनाथ अगर विधायक बनने के 3.5 साल में आपके गांव में आया हो और कोई के साथ फोटो हो वो दिखा दे, तत्काल 5,000 का इनाम और उसके बाद में बाइक और ट्रैक्टर भी देंगे। लेकिन अभी तक मेरे वो राज्य जो 110 गांव में घूम चुका है, एक बार भी कमलनाथ किसी गांव में नहीं गया, आज तक कोई इनाम लेने नहीं आया। अब बताओ जो आदमी गांव में जाए नहीं, कभी कुछ करे नहीं, कैसे वोट लें? ये सिर्फ फर्जी है, भारी बार हवाई है। वो सोचता है पैसे के बल पे मैं चुनाव जीत लूंगा, वो अभी तक जीतता आया क्योंकि गरीबी थी वहां। लेकिन अब मामा असली कमल चला गया तो मेरे का नकली कमल भागेगा। असली चीज हो जाती है तो नकली चीज बाजार से, लेकिन नकली चीज दिखती अच्छी है। आप सोने की चेन को रख दो, एक नकली सोने की चेन को रख दो, जो नहीं जानता वो कहेगा यही असली है। जनता भ्रम में जाती है, लेकिन जब आजमाते हैं तब देखते हैं कि उसको बेचने जाते हैं तो वो खोटा निकलता सिक्का, बाद में कोई 2 रुपए भी नहीं देता उसके। और सोना चाहे मिट्टी में भी पड़ा हो तो कितना ही पुराना हो तो उसकी कीमत है। इसी प्रकार कमल का फूल असली कीचड़ में खिलता, उसमें कोई दाग नहीं लगता। ये आपका कमल भी 30 साल से विधायक है, मैं चुनौती देता हूं 30 साल में। और 3 साल पहले जब विधायक नहीं था, मतलब मैं 90 में आया हरदा, 33 साल में कोई आदमी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, गरीब से लेकर अमीर तक, कोई काम के लिए आया तो उसका 1 रुपए का काम हो या 1 लाख का, करोड़ का, अरब का, सब काम फ्री में हुए हैं। लेना तो दूर किसी अधिकारी को भी फोन करने के बाद में नहीं लगने दिए, बल ले लिया हो तो वापस करा दिए। ये है आपका कमल, जो राजनीतिक दलदल कीचड़ के अंदर रहकर भी कमल के फूल की तरह दाग नहीं लगा है। कोने लगने दूंगा, कोई है थाने में भी गया हो तो फ्री में काम हुआ है, कहीं भी पैसा नहीं लगने दिया। और इसके कारण जनता का दिल जीता, विश्वास जीता और उसी के बल पे हम चुनाव जीतते हैं। लेकिन जब हाथी निकलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो ये बहुत भौंक रहे हैं। मैंने आज ही व्हाट्सएप में देखा 70% कमीशन। अरे भैया मैं आपसे ही पूछता हूं भाइयों, राजीव गांधी थे एक प्रधानमंत्री, वो जब भी टीवी पे आते थे वो एक ही बात कहते थे, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और गांव में जाते आते कितने रह जाते हैं, 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे सत्ता के दलाल खजाते हैं। सत्ता किसकी? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो दलाल किसके हुए, जोर से बोलो। ये 85% दलाली खाने वाले, और इसलिए 70 साल 60 साल राज किया, कहीं एक शौचालय नहीं बनाया, कहीं एक मकान नहीं बनाया, कहीं एक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की, कहीं गैस टैंक की चूल्हा नहीं दिया, कहीं रोड नहीं बनाई, कहीं बिजली नहीं दी, कहीं सिंचाई नहीं की। लेकिन मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन मैं तो 1990 में आया घंटाघर से कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। और उस समय मैंने एक बात कही थी कि आजादी के 40 साल हुए थे, अब तो 76 साल हो गए, कि हमारी माता में ना लोटा लेकर जाती, 10 बार उठ पेट लगाती, जब सो जाती माथे पे कलंक है, मैं भी गांव का रहने वाला, हमारी सरकार आएगी तो हम माता बहनों की इज्जत सुरक्षित रखेंगे, घर घर शौचालय बनाएंगे, गरीबों को पक्के मकान देंगे। और जब हमारी सरकार आई तो वो हमने करके दिखाया। आज घर घर शौचालय, घर घर पक्के मकान है, कोई भी व्यक्ति पक्के कच्चे मकान में नहीं रहेगा। ये बेटियां हैं हमारी, ये ससुराल जाएंगी तो गरीब के घर में भी होंगी, तो कच्चा मकान नहीं होगा, पक्का होगा, और गैस टैंक की चूल्हा भी साथ में होगा, तो हाथ को काम भी होगा। तो यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, और इसलिए हमेशा कमल खिलाते रहिए और अपना विकास कराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।